अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है सना खैरियत से। आज इंशाल्लाह जिस वीडियो लेक्चर में आ रहे हैं मुफ्ती एम कासिम साहब की वीडियो है और उनके चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आप लोग उनका चैनल सब्सक्राइब करिएगा और मेरी ये वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। आज की वीडियो बहुत दर्दनाक है और अफसोस वाली वीडियो है। हम सभी ने सोशल मीडिया पर तमाम वीडियो वायरल हुई है इसकी कि जो भी हाजी लोग गए हैं सऊदी अरब में हज करने के लिए, तमाम लोगों की जाने जा चुकी हैं। गर्मी की वजह से इतना शिद्दत की गर्मी है, वहाँ की गर्मी तो और ज़्यादा रहती है क्योंकि गल्फ़ कंट्री में गर्म बहुत ज़्यादा रहती है। यहाँ की धूप कुछ नहीं, वहाँ की धूप इससे 10 गुना ज़्यादा है। तो अभी तक कन्फर्म नहीं हुआ है कि कितने लोग अब तक के जो हज पे गए थे उनकी मतलब मरने की खबर है। कोई 200 बता रहा है, कोई 500, कोई 1000, कोई 800, अल्लाह बेहतर जाने। बस सबके लिए यही दुआ करें कि जो भी इस दुनिया से चले गए हैं अल्लाह ताला उन सबको जन्नत के फिरदौस अता करे, सबके हज को कबूल करे। और इस वीडियो में एक नसीहत भी है कि बुज़ुर्गों को कोशिश करें अकेले ना भेजें, अपने माँ बाप को अकेले मत भेजें, उनके साथ कोई जवान यंग इंसान जाए ताकि वो उनकी देखभाल कर सके। क्योंकि वहाँ की गर्मी शिद्दत बहुत ज़्यादा है, रास्ते समझ में नहीं आते हैं, पहली बार आदमी जाता है तो परेशान हो जाता है। तो कोई ऐसा शख्स उनके साथ जाए जो उनको थोड़ा सा मालूम हो, और नहीं अगर मालूम है तो अपने माँ बाप कम से कम मदद तो कर सकेगा वो। तो इसलिए अकेले मत भेजें, कोशिश करें बिल्कुल भी अकेले मत भेजें। तो आइए पहले हम लोग वीडियो देखते हैं, उसके बाद हम लोग बात करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज पर गए हुए लोगों के बारे में एक बड़ी बुरी खबर सुनने को मिल रही है कि गर्मी और लू लगने की वजह से कई सौ लोगों का, कई सौ हाजियों का अब तक इंतकाल हो चुका है। अल्लाह ताला उनकी मगफरत फरमाए, उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। मरने वालों में तकरीबन 9500 के करीब इंडियंस हैं और कई ख़बरों में ये आंकड़ा जो है 200 के करीब बताया जा रहा है, कई ख़बरों में 500 के। धीरे धीरे ये मरने वालों के जो आंकड़े हैं वो बढ़ रहे हैं। या आप वीडियोज़ देख सकते हैं कि कोई सड़क पर पड़ा हुआ है और गर्मी की वजह से कोई बैठा तो बस बैठा ही रह गया, है ना। मरने वालों में जो ज़्यादा तादाद है वो बूढ़ों की है, कमज़ोरों की है, ऐसे लोगों की है जिनका कोई सहारा नहीं है, जिनको कोई गाइड करने वाला नहीं है, जिनको कोई छतरी देने वाला नहीं है कि धूप से बच लो, है ना। बहरहाल अल्लाह ताला से हम सब लोग इस मौके पर दुआ करें कि अल्लाह ताला घर वालों को सब्र जमील अता फरमाए। सोचिए क्या गुजर रही होगी घर वालों पर कि उनका कोई अपना हज पर गया हुआ था, खबर मिल रही है कि लापता हैं, कॉन्टैक्ट नहीं हो पा रहा है, है ना। बाद में फिर पता चलता है कि वो तो इंतकाली कर गए। कितने लोग तो लापता हैं अब तक, उनका कुछ अता पता ही नहीं चल रहा है कि कौन कहाँ पड़ा है। इस मौके पर हम लोगों को ये बात समझना चाहिए कि देखिए अपने वालिदैन को आप उम्रे पर भेज रहे हैं, हज पर भेज रहे हैं, और आपके वालिदैन इतने कमज़ोर हैं जो ख़ुद से हज और उम्रे की जो मुश्किलें होती हैं उनको फेस नहीं कर सकते वो। जैसे कि मैंने उम्रे पे, जब मैं उम्रे पर गया था तो मैंने बुलंदशहर के एक बूढ़े मियाँ को देखा कि वो अपने रूम से सुबह निकले और शाम तक घर, वो रूम पे वापस नहीं आए। रात को कहीं 10-11 बजे आए, उनके पैरों से खून निकलते हुए मैंने देखा, पैर सूज गए, खून निकल रहा था कई उंगलियों में से, तो एड़ी में से। कह रहे बस मैं इधर से उधर भटकता रहा, समझ ही नहीं आ रहा। मैंने उनसे पूछा क्या रहा, तो बोले बस भटकता रहा, अल्लाह ने पहुँचा दिया, वरना मैं तो ये सोच रहा था कि पहुँच ही नहीं पाऊँगा। तो हम लोग शौक शौक में अपने वालिदैन को, बूढ़े वालिदैन को ख़ास तौर पर ग्रुप के साथ, लोगों के साथ हज और उम्रे पर भेज देते हैं। और आप यकीन माने कि ज़्यादातर जो टूर वाले होते हैं ना वो क्या करते हैं, बस जाके छोड़ दिया बस। बहुत कम टूर वाले ऐसे होते हैं जो ऐसे लोगों की फ़िक्र करते हैं, वरना छोड़ दिया छोड़ दिया। लोग दो दो दिन तक भटकते रहते हैं, वहाँ रास्ते समझ नहीं आते, रूम समझ नहीं आता। ख़ास तौर पर ऐसे लोग हमारे बुज़ुर्गों के जो बेचारे ना मोबाइल ठीक से चलाना जानते हैं, ना नंबर लगा सकते, क्योंकि वहाँ मोबाइल होगा भी तो क्या करेगा आदमी। तो मेरे आज़ीज़ भाइयों, अपने बूढ़े वालिदैन को अगर आप हज उम्रे पे भेज रहे हैं तो खुद जाओ, या तो अल्लाह ने नवाजा हुआ तो खुद जाओ, और अगर किसी के साथ भेज रहे हो तो पूरी जिम्मेदारी के साथ भेजो। ऐसे बस बूढ़े वालिदैन को उम्रे के लिए रवाना कर दिया, हज के लिए रवाना कर दिया, फिर मुश्किलों का सामना आपके वालिदैन को करना पड़ता है। हज जो है ना, उम्रे पे इतनी भीड़ नहीं होती है जितनी हज पर होती है। चलना मुश्किल होता है, इन तमाम तकलीफ़ों को बर्दाश्त करना मुश्किल होता है, और हम अपने बूढ़े वालिदैन को भेज देते हैं। इसीलिए अगर हमारे वालिदैन कमज़ोर हैं, ज़ईफ़ हैं, चलने में प्रॉब्लम है, उनको उनकी कोई फिक्र करने वाला हो तभी वो ठीक से काम कर सकते हैं। तो अपने वालिदैन को तन्हा उम्रे और हज पर मत भेजिए। बात समझ आ रही है। इसीलिए कहा जा रहा है कि बुज़ुर्गों के लिए, उम्र रसीदा लोगों के लिए अब हज आसान नहीं है, क्योंकि गर्मी की वजह से जो मरने वालों की तादाद है बूढ़ों की ज़्यादा है। खैर, इस वक्त हम लोग दुआ कर सकते हैं, और जितना हो सके भाई अपने जिनको भी आप उम्रे पर भेज रहे हैं तो प्रॉपर आप टूर वाले से बात कीजिए कि भैया इनको आपको साथ रहना है, सुबह शाम अपने घर वालों की फ़िक्र लीजिए, है ना। टूर वाले को सख्ती के साथ बोलिए, वरना फिर क्या होता है, बहुत मुश्किलों का सामना हमारे बड़ों को करना पड़ता है। इस मौके पर हम लोग पूरी दुनिया के हाजियों के लिए दुआ करें। एक सवाल ये भी माइंड में आ रहा है कि क्या अल्लाह ताला इनके हज को कबूल नहीं कर रहा है। भाई देखो, ऐसी बात नहीं है, ये दुनिया दारुल असबाब है,
अल्लाह ताला ने इस दुनिया को सबब से जोड़ रखा है। गर्मी में कोई चलेगा तो लू लगेगी, आग में कोई हाथ डालेगा तो उसका हाथ जलेगा। तो अल्लाह ताला ने दुनिया को, दुनिया दारुल असबाब है, ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, अल्लाह ताला ने एक सिस्टम बना दिया है। तो अब गर्मी में और गर्मी से जब बचने का कोई तरीका आप इख्तियार नहीं करोगे तो लू लगेगी, और लू लगने के बाद लू से बचने का कोई तरीका इख्तियार नहीं करोगे तो जाहिर सी बात है जान से हाथ धो बैठोगे। तो अल्लाह ताला कबूल फरमाता है, तभी तो अल्लाह ने अपने दरबार में बुलाया, और ये जितने भी लोग मरे हैं अल्लाह ताला इनसे राज़ी है, तभी तो अल्लाह ताला ने ऐसे मुबारक सफ़र पर मौत अता फरमाई है। तो मायूस बिल्कुल भी होने की ज़रूरत नहीं है। दुआ करें अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला सबकी हिफाज़त फरमाए जो दुनिया से चले गए, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। दोस्तों, ये था हमारा रिएक्शन जो देखा हम लोगों ने। जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तब के ये आंकड़े हैं, अब तक के ये आंकड़े और बढ़ चुके हैं, मतलब हज़ार को पार कर चुके हैं ये आंकड़े। वहाँ पर जो भी लोग अब तक गर्मी की शिद्दत से इनकी मौत हो चुकी है और आंकड़े बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। हम सब ये दुआ करें उनके हक में। और सबसे अहम बात, इससे ये सबक मिलता है, हम लोगों को सीख मिलती है कि अपने बूढ़े माँ बाप को उम्रे पे या हज पे अकेले ना भेजें। कोशिश करें आप साहिब हैसियत है तो आप खुद साथ में जाएं, नौजवान आदमी उनके साथ जाए ताकि उनकी हेल्प कर सके, क्योंकि वहाँ पे गर्मी यहाँ से 10 गुना ज़्यादा रहती है, धूप बहुत तेज़ रहती है। बूढ़े माँ बाप हैं, उनको समझ नहीं आता मोबाइल चलाना या रास्ते में रास्ता नहीं समझ आता है, क्योंकि यहाँ का सिम वहाँ चलता नहीं, वहाँ सिम लेना पड़ता है या फिर वाईफाई का इस्तेमाल है। अगर होटलों में तो वाईफाई है, लेकिन होटल से बाहर वाईफाई थोड़ी चलता है। तो कोशिश करें खुद साथ में जाएं ताकि उनकी मदद करें, उनकी हेल्प कर सकें, और खैरियत से जाएं और खैरियत से आएँ, और सबके हक में दुआ करें। जो भी वहाँ पर अगर तक वो जितने भी लोग अब तक के वहाँ पर जो खबर आ रही है कि सब काफ़ी लोग वहाँ पर मर चुके हैं, तो अल्लाह उन सबको जन्नतुल फिरदौस अता करें और सबके हज को भी कबूल करें, और फिलिस्तीन गज़ा के लिए भी दुआ करिएगा। हर नमाजों में दुआ जरूर मांगिए, पूरी उम्मत के लिए दुआ मांगिए, दुआ में बहुत असर होता है। अल्लाह ताला सब की मगफरत करे, हम सब की मगफरत करे, पूरे उम्मत मुस्लिमा की मगफरत करे, और सब के लिए दुआ ज़रूर करिएगा। तो जैसी कोई और अपडेट मिलती है इंशाल्लाह तो फिर से वीडियो बनाएंगे। तब तक भी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिए ताकि जिसको जिसको ये पता चले वो हक में दुआ ज़रूर करें।